मिल्क पाउडर, गुलाब जामुन। हाय, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूँ जाई और आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी जिसका नाम है मिल्क पाउडर गुलाब जामुन। चलिए जल्दी से नोट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मिल्क पाउडर गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप मिल्क पाउडर, 1 कप मैदा, चुटकी भर खाने का सोडा, 2 छोटे चम्मच तेल और तलने के लिए तेल, दही आवश्यकता अनुसार। चाशनी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप चीनी और 1 छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। चलिए सबसे पहले एक नॉनस्टिक पैन में ले लेते हैं चीनी। चीनी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे करीबन 4 कप पानी और इसे तब तक पकाएंगे जब तक चीनी पूरी तरह से घुल जाए। मेरे पास यहाँ पे जो मिक्सिंग बोल है इसमें हम ले लेते हैं ये मिल्क पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा, खाने का सोडा, इसे मिक्स करके इसमें हम डालेंगे दही और इसका एक सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। चलिए अब चीनी पिघल चुकी है, इसमें हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर और इसे मिक्स करके आंच बंद करके साइड में रख देंगे। हमारे पास ये जो डो है इसके छोटे छोटे पोर्शंस बना लेंगे और इन्हें रोल करके इनके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे कुछ इस तरह। चलिए हमने ये जो बॉल्स बनाए हैं वो हम ये तेल में डालेंगे जो हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसे बहुत तेज आंच पे नहीं पकाना है, आंच मीडियम होनी चाहिए और इसे कंटिन्यूसली हिलाना है जब हम पका रहे हैं। चलिए हमारे ये जो गुलाब जामुन है वो अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम गैस बंद कर देंगे और हमने ये जो चाशनी बनाई थी इसमें हम ये गुलाब जामुन डाल देंगे। चलिए हमने ये जो चाशनी बनाई है उसमें गुलाब जामुन डाल दिए हैं। इसे 15 से 30 मिनट तक सोख होने के लिए रख दीजिए और उसके बाद सर्व कीजिए।